आत्म संबंधी सुंदर साहब जी, जागनी यात्रा के क्रम में आज सुबह से ही हम वाणी गायन और वाणी चर्चा सुनते ही जा रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? जागनी यात्रा का उद्देश्य तो सीधा समझ में आता है कि जागना ही उद्देश्य है। सोना कई तरह से है, शयन अथवा नींद, उसकी अवस्था अलग अलग है। कई बार तो होता है कि व्यक्ति सच में सो रहा होता है, कई बार व्यक्ति सोने का नाटक करता है कि कितना भी उठाए मुझे नहीं उठना है, कोई कितना भी हिलाए मुझे आंख नहीं खोलनी है। अब जब अवस्था ऐसी आती है कि कोई व्यक्ति सो रहा है, बार बार जगाने पर भी नहीं जगता है, तो उसके लिए फिर थोड़े कठोर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। घर में जब बच्चा सो रहा है, स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, या फिर एग्जाम के लिए देरी हो रही है, व्यक्ति आलस्य के कारण वो बच्चा उठ नहीं रहा है, तो माँ क्या कहेगी? भले ही वो अपने बच्चे के लिए चंदा है तू मेरा तारा है तू करके गीत गाए, लेकिन जब वो बार बार उठाने पर भी नहीं उठेगा तो वो डांट करके क्या कहेगी? दुष्ट उठता क्यों नहीं है, है ना? भले ही वो दुष्ट ना हो, बस एक आलस्य का गुण हो, फिर भी कई बार एक अवगुण सब पे भारी पड़ जाता है कि नहीं। किसी व्यक्ति के अंदर 100 अच्छे गुण हो, लेकिन कभी कभी एक अवगुण भारी पड़ जाता है। जैसे 100 लीटर दूध हो, उसमें उसको फाड़ने के लिए तो एक ही नींबू भी काफी हो जाता है ना। उसी तरह से भले ही हम बौद्धिक रूप से हमारी बुद्धि कितनी ही तेज क्यों ना हो, हो सकता है कि हमें कई किताबें याद हो, कई ग्रंथ की चौपाइयां, वेद के मंत्र, दर्शनों के सूत्र, उपनिषदों के कथन, महापुरुषों की जीवनी सब याद हो, लेकिन यदि याद की हुई चीज को जीवन में उतारने की मनसा नहीं है या प्रवृत्ति नहीं है, तो वो सब कुछ कैसा हो जाता है? जैसे एक उदाहरण दिया गया है शास्त्रों में कि यदि किसी व्यक्ति के पास भरपूर ज्ञान तो है, लेकिन उस व्यक्ति के आचरण में नहीं है, तो वो ज्ञान ऐसा ही है जैसे आपने गांव में देखा होगा एक बकरा होता है, बकरे के गले में यहां पर एक गांठ लटक रही होती है, उसका काम कुछ नहीं होता है, उस अंग का प्रयोजन कुछ नहीं होता, ना खाता है वो उससे, ना और कोई काम आता है, और देखने में भी ठीक तो नहीं दिखता है। तो शास्त्रों का कथन है कि यदि किसी व्यक्ति के पास ज्ञान तो है लेकिन आचरण नहीं है, बौद्धिक दृष्टि से कोई कितना भी तेज क्यों ना हो, लेकिन यदि आचरण में चरितार्थ नहीं हुआ है, तो वो उस बकरे के गले के गांठ के समान ही वह ज्ञान होता है। इसीलिए इंद्रावती जी हमें रास ग्रंथ के इस प्रकरण के माध्यम से कह रहे हैं कि हे मेरा जीव, और यहां इंद्रावती जी ने अपना जीव को सिर्फ नाम लेने के लिए, ऐसा नहीं कि उनका जीव सो रहा है, यदि सो रहा होता तो वाणी अवतरित नहीं होती, लेकिन हमारे यहां एक प्रवृत्ति है। जब कोई किसी घर में नई नई शादी होती है, बहू नई नई आती है, अब नई बहू को तो डांटा नहीं जा सकता है, तो क्या करती है सास? क्या करती है? अपनी बेटी को डांटती है। बेटी को डांट करके बहू को डराया जाता है, क्यों? गलती भले ही बेटी की हो या ना हो, ये प्रवृत्ति है, एक तरीका है, नीति है। इसी तरह से अब चूंकि वहां सोच होती है कि बहू को बुरा ना लगे, इंद्रावती जी भी
सीधे सीधे सुंदर साथ को गलत कहना नहीं चाह रही हैं, लेकिन जो समझदार होगा, कहते ना समझदार को इशारा काफी होता है, जो समझदार होगा वो समझेगा कि इंद्रावती जी ने जिस जीव के ऊपर बैठ करके लीला की है वो जीव तो भूंडा नहीं है, दुष्ट नहीं है। सोया हुआ जीव किसका है? उनका, कि हमारा? हमारा। तो फिर वो दुष्ट जीव किसका होगा? हमारा। नाम सिर्फ उन्होंने अपने जीव का लिया और कहा भूंडा जीव जाग जे रे, कि हे मेरा दुष्ट जीव तू जागता क्यों नहीं है, तुझे अब जागना है। और आगे कहते हैं, काई धनी तने चरण पसाए तू भरम उड़ाड़ जे रे। पसाए कहते हैं कृपा के द्वारा, अक्षरातीत परब्रह्म श्री राज्य की कृपा के द्वारा तू अपने भ्रम को उड़ा, तू भ्रम को समाप्त कर। अब सवाल यह होता है कि भ्रम क्या है, किसको भ्रम कहेंगे? आपको पूछा जाए कि भ्रम किसको कहते हैं तो क्या कहेंगे? कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है तो उसको भ्रम कहते हैं कि नहीं? यही होगा ना। जैसे कभी कभी माताएं रात को यदि आंगन में रस्सी टांगे हो, कपड़ा सुखाया हुआ हो और अचानक से नींद खुल जाए, खिड़की से बाहर की तरफ देखें, अब अंधेरा है पूरी तरह से, कुछ कुछ हल्का सा दिख रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है कि अधर में हवा में कुछ लटका हुआ है, कोई आकृति लटकी हुई है, अब नींद में है, आंखें पूरी तरह से खुल नहीं रही है, तो कई बार घर में लोगों को क्या भ्रम हो जाता है कि हमने तो रात को ये देखा, भूत देखा, प्रेत देखा, ये भ्रम है। कभी कभी गांव में जैसे गाय बैल को, जानवरों को बांधने की जो रस्सी होती है वो आंगन में इधर उधर पड़ा हो, तो शाम के समय में जब अंधेरा होता है तो हम उसको सर्प समझ लेते हैं, सांप समझ लेते हैं। कभी हम रास्ते में चल रहे हों तो जब बहुत तीखी धूप होती है तो सड़क में थोड़ी दूरी पर हमें पानी जैसा दिखाई पड़ता है, वो पानी होता नहीं है, तो उसको कहते हैं भ्रम। इन उदाहरणों से हमें इतना समझ में आया कि जो जैसा दिखता है हम जैसा सोच लेते हैं वैसा नहीं होता है, उसको कहते हैं भ्रम। इसी को वाणी की भाषा में अगर हम कहें तो महामती जी कहती हैं, मोह अज्ञान भरम ना कर्म काल और शून्य ए नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। नींद और भ्रम दोनों एक ही बताया। इस प्रकरण में पहले चरण में कहा कि भूंडा जीव जाग जे रे, तो नींद उड़ाने की बात की है, और तीसरे चरण में कहा तू भ्रम उड़ा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों चरणों में हमें माया से हटने की बात की है, माया को जीतने की अथवा माया से ऊपर उठने की बात की है। कि भूंडा जीव जाग जे रे, काई धनी तने चरण पसाए तू भरम उड़ाड़ जे रे, कि हे मेरा दुष्ट जीव धनी की कृपा से तू अपनी नींद को समाप्त कर, अपने भ्रम को समाप्त कर। अब मैंने ये तो बताया आपको कि भ्रम किसे कहते हैं, पता चल गया, लेकिन भ्रम कितने प्रकार के होते हैं ये नहीं पता हमें। कई बार क्या होता है कि हम एक को भ्रम समझ लेते हैं, दूसरे को सही समझ लेते हैं, लेकिन दूसरा भी भ्रम ही होता है। इस माया के ब्रह्मांड में, इस भव सागर में अवस्था कैसी है, आगे कुआं और पीछे खाई। एक तरफ बहुत गहरी खाई है और दूसरी तरफ कुआं है। अब हमें अपने मंजिल की तरफ बढ़ना कैसे है, बीच में जो जगह है वो बहुत थोड़ी सी है, उस थोड़ी सी जगह में किसी साधु ने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग है, हम कहते हैं ना प्रेम का मार्ग है, तो वो जो प्रेम का मार्ग है वो कैसा है? कहते हैं प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पर नाचन है। कि प्रेम का जो रास्ता है वो इतना संकरा है, इतना पतला है कि ऐसा लगता है कि हम तलवार की धार पर नाच रहे हैं।
बच पाना तो संभव है ही नहीं। तो इतने मुश्किल रास्ते से हमें यदि निकलना हो तो दो उपाय हैं। पहला उपाय यह है कि दुख कष्ट सहन करते हुए इधर तलवार, इधर कुआं और इधर खाई को देखते हुए डरते 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 चला जाए। या फिर दूसरा, एक चिड़िया रास्ते में चाहे कितनी भी कठिनाई हो, कितना भी पतला रास्ता, उसको उस रास्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तो उसको तो उड़ना है। हमें भी राज्य ने पंख दिए इश्क और ईमान रूपी, और हमारे रास्ते को क्या कहा, विहंगम मार्ग। दुनिया में बहुत सारी पद्धतियां हैं, विशेष रूप से हम नवधा भक्ति की बात करते हैं कि किसी को लगता है कि नवधा भक्ति तो सबको पता ही होगा, श्रवण करना क्या है और कीर्तन करना, किसी की अर्चना करना, वंदना करना, दास्य भाव से भक्ति करना। दास भाव मतलब जैसे एक सेवक सेवा करता है वैसे, फिर चरणों की वंदना करना, ये सारी है नवधा भक्ति। नवधा भक्ति को कहा जाता है कर्मकांड का रास्ता। और वो रास्ता कैसा है, वो भी तलवार की तरह है, लेकिन अब जो कि नवधा भक्ति पर चलने वाले कोई भी व्यक्ति के अंदर वो इश्क और ईमान रूपी पंख न होने के कारण उसको कट के गिरना ही है। इसलिए वाणी कहते, पुल सिरात कहे खांडे की धार, गिरे कटे न उतरे पार। ये जो कर्मकांड का रास्ता है वो ऐसा तलवार का रास्ता है कि लगभग हर व्यक्ति यहां गिर जाता है, कट जाता है, कोई भी पार नहीं कर पाता। बस करना क्या होता है, उस नवधा भक्ति को हमें छोड़ना नहीं है। किसी को लग रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं यह, क्योंकि हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, जितने भी सुंदर साथ यहां पर बैठे हैं, हम सब तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नवधा भक्ति को छोड़ना है और प्रेम लक्षणा भक्ति को अपनाना है। मैं कह रहा हूं कि नवधा भक्ति को छोड़ना नहीं है, बात जरा अटपटी सी है, लेकिन बस अगला एक वाक्य जोड़ देना है। हमें नवधा भक्ति के जो अलग अलग लक्षण हैं उनमें ही प्रेम जोड़ना है, क्योंकि हम नवधा भक्ति को भले ही मुख से कहें कि नवधा भक्ति को छोड़ देना है, लेकिन हमसे छूट तो पाया नहीं है, ना कभी छूट पाएगा। जैसे सबसे पहली भक्ति कौन सी है, नवधा भक्ति में सबसे पहली भक्ति कौन सी है, मैंने बताएंगे, श्रवण। आप सब क्या कर रहे हैं अभी, सभी तो चर्चा सुन ही रहे हैं ना। दूसरी भक्ति क्या है, कीर्तन, थोड़ी देर पहले गायन हुआ था। आप राज्य के चरणों का ध्यान करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं, आप बार बार ये इच्छा करते हैं कि ये चरण कमल हमारे हृदय में आ जाए। चर्चा से पहले प्रार्थना करते हैं, वंदो सदगुरु चरण को, प्रथम लागु दो चरण को, तो चरणों की वंदना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सब कर रहे हैं, लेकिन साथ में प्रेम जुड़ा है तब। तो प्रेम लक्षणा भक्ति कोई अलग नहीं है। प्रेम लक्षणा भक्ति का तात्पर्य ये है कि जो चीजें पहले से की जा रही थी लेकिन वहां सिर्फ शरीर लग रहा था, अब वहां प्रेम लगे, वहां आत्मा के हृदय में जो प्रेम है वो लगे, उसको कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति। ये कोई अलग तत्व नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा तत्व है जिसके मिलने से नवधा भक्ति भी सार्थक हो जाती है। तो जब प्रेम जुड़ गया तो वह नवधा भक्ति नाम हट जाता है, और क्या नाम रह जाता है, प्रेम लक्षणा भक्ति का। और सिर्फ प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसको गीता में कृष्ण जी ने कहा, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्या तु अनन्या, कि अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा उस पर ब्रह्म को पाया जा सकता है, उस पुरुष को जिसको गीता कहती है कि उत्तम पुरुषः तु अन्य परमात्मा इति उदाहरिता, उस पर ब्रह्म को पाया जा सकता है। तो ये प्रेम लक्षणा भक्ति है। अब वापस आता हूं मैं मूल मुद्दे पर, भ्रम की बात कर रहे थे हम कि भ्रम कई प्रकार के होते हैं। अब इसमें तारतम्य ज्ञान से रहित होने पर लोगों को अब तक ये भ्रम था कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता सही है, ये भ्रम है कि नहीं। कर्मकांड के रास्ते पर चल करके हम परमात्मा को पा लेंगे, ये भ्रम है।
बिना प्रेम लक्षणा भक्ति के हम बार बार अनेक रागों में आलाप करते हुए वाणी गायन कर लें, वाणी या कोई भी भजन गायन कर लें और परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, तो ये भ्रम है। हृदय में प्रेम नहीं है और हमने गले में 100 तरह की मालाएं डाली और चाहे कि नहीं, हमने तो इतनी सारी मालाएं पहन रखी है। 2-4 मालाएं पहनने पर लोगों को भक्त कहा जाता है, हम तो 100 मालाएं पहनते हैं और हम चाहें कि हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, तो ये भ्रम है। महामती जी की वाणी क्या कहती है, 100 माला वाओ गले में, द्वादश करो 10 बेर, जो लो प्रेम न उपजे पियूसो, तोलो मन न छोड़े फिर, तान मान कई रंग करो, अलापी करो कीर्तन, उपजो उत्तम जात में, पर बल न छोड़े मन। अब न सिर्फ गायन करने से कुछ हो रहा है, न सिर्फ माला पहनने से कुछ हो रहा है, न अलग अलग तरह के शुद्ध कहे जाने वाले ऊनी वस्त्रों को धारण करने से कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है तो किससे हो रहा है, प्रेम से। तो बिना प्रेम के यदि हम चाहें कि हमारी मुक्ति हो जाए तो ये भ्रम है। सेवा पूजा में हम चौपाय कहते हैं ना, बिना प्रेम के मानवा बांधे यमपुरी जाए, यदि प्रेम हृदय में ना हो तो। इसलिए ये जो भ्रम उड़ाने की बात की जा रही है, शब्दार्थ बहुत सरल है कि राज्य की कृपा से हमें अपने भ्रम को मिटा देना है, लेकिन भ्रम कितने प्रकार के होते हैं जब पता ही नहीं है। तो ये जो कालमाया का ब्रह्मांड है वो तो कैसा है कि हमारे आचार्य जी कहा करते थे जब हम विद्यार्थी जीवन में थे कि काजल की काली कोठरी में काहो सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पैलागी है। एक कोई काजल से बनी हुई कोठरी है, उसके अंदर चाहे कितना भी चतुर व्यक्ति जाए लेकिन काजल की कोई लीक तो लगनी ही है उसको। छत भी काजल की है, जमीन भी काजल की है, दीवार दरवाजे सब काजल के हैं। अब अंदर जाना है तो खोल के जाएंगे तब भी लग जाएगी, नीचे चलेंगे तब भी लग जाएगी। तो ये जो माया है, ये जो संसार है, ये मोह का ही बना हुआ है, भ्रम का ही बना हुआ है। तो भ्रम से छूट पाना संभव नहीं है। भ्रम से छूटने के लिए तो एकमात्र उपाय क्या है, जागृति। सपने में जब आप देखते हैं कि ये जो कुछ भी दिख रहा है, कभी आपके सपने में शेर आ जाता है, कभी डरावने भयानक प्राणी आ जाते हैं, कभी आपको सांप बड़े बड़े पीछा कर रहे होते हैं, कभी कोई दुश्मन बन करके हाथ में हथियार लेकर के राक्षस बड़े बड़े भगा रहे होते हैं। यदि आपको पता चले कि आप सपना देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे? यदि आपको पता चले कि मैं जो देख रहा हूं वो सपना देख रहा हूं तो क्या करेंगे? आप आंख खोल देंगे, खेल खत्म, है ना। इससे भी सरल उदाहरण, चलो सपने का सबको समझ में आए ना आए, जिनको आ गया आ गया। आप कोई भूत वाली पिक्चर देखते हैं, स्क्रीन पर्दे पर जब देख रहे होते हैं, जब आपको डर लग रहा है, आपको लगता है कि जो वहां है, बाल ऐसे लंबे फैला करके, आंखें इतनी बड़ी बड़ी, उसको देख करके आपको डर लगना शुरू होता है। लेकिन उसमें जिस पात्र ने काम किया है, एक्टिंग की है, आपको पता है ना कि वो एक्टिंग है, पता है सबको। एक्टिंग का मतलब वास्तविकता है कि भ्रम है? वास्तविकता तो है ही नहीं, तभी तो उसको एक्टिंग कहते हैं। अब जब आपको पता है कि ये एक्टिंग है फिर भी डर लगता है, और जब ज्यादा डर लगता है तो आप क्या करते हैं? उस पर्दे से अपना ध्यान हटाते हैं, नजर किसी दूसरी तरफ लेके जाते हैं, या तो आप चैनल बदलते हैं या फिर मन को बदलते हैं। दोनों में से एक को बदलेंगे तो डर खत्म, ठीक है। इसी तरह से ये जो संसार रूपी भ्रम है, जहां हमारा जीव देख रहा है और ऐसे देख रहा है कि यहां पर डरावने प्राणी हैं। जब हम वाणी पढ़ते हैं तो वाणी में
विशेष रूप से कलशवाणी के अंदर भी ये दृष्टांत दिया गया है कि जो भवसागर इसमें बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, एक दूसरे को निगलने के लिए तैयार होकर के बैठे हैं। जब हमको पता है कि ये भवसागर ऐसा है, हम कहां पर देख रहे हैं? इस माया के खेल में ही तो भ्रम को देख रहे हैं ना। अच्छा, जैसे ही हमने यहां से नजर हटाई और धाम की तरफ लगाया तो इस खेल का कुछ असर होगा। हमें क्या करना है? नजर यहां से हटाना है और कहां लगाना है? जैसे वाणी कहती ना, नजर फेरोरी झूठ सुपन। ये जो स्वप्नवत ब्रह्मांड है, झूठ का जो ब्रह्मांड, इससे हमें नजर फेरना है, हटाना है, और जो सत खसम है, सत वतन है, उसकी तरफ नजर लगाना है। बस इतना ही, सिंपल है। लेकिन ये हो क्यों नहीं पाता? क्योंकि ये जितनी भी बातें अभी मैंने कही, ये बातें हमारे बुद्धि में सीमित है, रहने में, आचरण में नहीं है। माया झूठ है ये किस किस को पता है? एक बार हाथ खड़ी करना। माया झूठ है ये किस किस को पता? बाकियों को नहीं पता है? ये हाथ खड़ी करने में आलस आ रहा है। सबको पता है। जिसने तारतम लिया है उसको भी पता, जिसने नहीं लिया उसको भी पता है। इस दुनिया में आज तक जो भी पैदा हुआ है व्यक्ति, जिसने भी होश संभाला है, सबको पता है कि ये दुनिया झूठी है, परिवर्तनशील है। धर्म ग्रंथों ने कहा, असत जड़म च दुखम च माया रूपम त्रिधा स्मृतम। लेकिन पता होने के बावजूद भी, तो नॉलेज, ज्ञान बहुत ज्यादा महत्व का तब तक नहीं होता है जब तक कि उस नॉलेज का एग्जीक्यूशन नहीं होता है, जब तक उसको हम सही जगह पर प्रयोग नहीं करते। एक कोई मोटिवेशनल स्पीकर हुए हैं, प्रेरणादायी प्रवचन देते हैं। मैं कल ही उनको सुन रहा था ऐसे गाड़ी में चलते चलते। उन्होंने एक बहुत साधारण सा और सबको समझ में आने वाला दृष्टांत बताया। कैंसर बीमारी के बारे में सबको पता है। कोई व्यक्ति ऐसा हो जो दिन के 8-10 सिगरेट स्मोक करता हो, सिगरेट पी लेता हो, उसको कैंसर हो, हॉस्पिटल में जाए, डॉक्टर ये कहे कि तुम सिगरेट पीते थे? उसने कहा, हाँ डॉक्टर साहब, मैं तो पीता था। तो डॉक्टर ने कहा कि तुमने सिगरेट पी है लगातार बहुत ज्यादा, इस वजह से तुम्हें कैंसर हुआ है। तो क्या वो व्यक्ति ये कह सकता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो पता ही नहीं था कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं पीता और मुझे कैंसर नहीं होते? ऐसी कोई घटना हो सकती है? हो सकती है कि नहीं? हर धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को पता है कि इससे कैंसर होता है। तो पता होना लाभदायक नहीं है। उसको देख करके कि इससे कैंसर होता है, उसको छोड़ देना या उसको शुरुआत ही न करना, ये लाभदायक है कि नहीं? तो आप खुद ही बताइए कि ज्ञान का महत्व अधिक है कि आचरण का? ज्ञान की आवश्यकता कहां तक है? आचरण में लाने तक। यदि आचरण में है ही नहीं तो वो ज्ञान कैसा है? जैसा कि मैंने पहले ही कहा, और वाणी ने भी एक ऐसा दृष्टांत दिया है, मैंने तो वो बकरे वाला दृष्टांत दिया, वाणी में एक दृष्टांत दिया है कि यदि, और धर्म ग्रंथों में एक भी ये उदाहरण है कि यदि किसी के पास ज्ञान तो है लेकिन आचरण नहीं है, तो ये वैसा ही है जैसे एक गधा है, गधे की पीठ पर किताबों का बोझ लाद दिया जाए तो क्या वह ज्ञानी कहलाएगा? क्या वह महान कहलाएगा? रहेगा तो वह गधे का गधा ही। हमारे ऊपर भी बोझ है। राज जी ने 18,758 चौपाइयां दी है। अच्छा, एक चौपाई में कहूंगा, याद हो तो साथ साथ में बोलना। कदी कहनी कही, थोड़ा जोर से बोलना, कदी कहनी कही मुख से बिन रहनी न होवे, रहनी रूह पहुंचा वही, कहनी लग रही चाम। एक और चौपाई, हाँ, अंताक्षरी नहीं चल रही है। अब समय आया रहनी का, रूह फैल को चाहे, जो होवे असल अर्श की सो
फैल ले हाल देखा है। चौपाइयाँ हमें याद है, हमने अपने जीवन में अनेकों बार पारायण पढ़ रखे, पाठ पढ़ रखे हैं, लेकिन यदि हमारी रहनी में वो नहीं होगा तो क्या होगा कि बार बार यही कहना पड़ेगा कि हे दुष्ट। क्योंकि भुंडा मतलब क्या होता है? दुष्ट। इंद्रावती जी जिस तरह से कह रहे हैं कि भुंडा जीव जाग जेरे, हमारा जीव दुष्टता नहीं छोड़ेगा। और आज तो हमारी अवस्था कैसी है कि जो सो रहे हैं वो भी सोने का नाटक कर रहे हैं, और जो दूसरों को जगा रहे हैं हमारे जैसे, तो वो भी हालत कैसी है, जैसे दो लोग सो रहे हैं, ठीक है, मेरे बगल में कोई व्यक्ति सो रहा है। अब सुबह अलार्म बजता है, 5 बजे का अलार्म लगा रखा है, तो हम क्या करेंगे? फोन थोड़ा दूर है, अब उठ के जाने में आलस्य है, जग गए हैं हम, तंद्रा अवस्था में है, हम जग गए हैं, तो हम सामने वाले को कहेंगे उठना, उठना, अलार्म बंद कर दे, फिर सो जाते हैं, चल उठ, ठीक है। वो व्यक्ति थोड़ी देर सोचेगा चलो बजने देते हैं, स्नूज पे 10 मिनट बाद बजेगा, तब तक सुन लेते हैं, सो लेते हैं। अब दूसरी बार अलार्म बजेगा तो वो मुझे उठाएगा कि भाई तू ही बंद कर दे। आज हमारी अवस्था कुछ ऐसी है, सो रहे हैं और जो जगा रहे हैं, कई हम में से जगाने वालों की भी हालत कुछ ऐसी ही है कि हम ढंग से जग नहीं पाए हैं, लेकिन यह है कि चलो उठना तो है, तो चलो वो व्यक्ति उठ जाए तो उससे प्रेरित होकर के हम भी उठ जाए, इस तरह की भावना है। तो हम तारतम ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें लेकर के भी, याद करके भी, चर्चा प्रवचन करके, सुन के सुना के भी, यदि हम रहनी पर नहीं चल पाते, आचरण में हम अपने जीवन को नहीं ढाल पाते, तो जीव हमारी दुष्टता कभी नहीं छोड़ पाएगा। और जब जीव दुष्टता ही नहीं छोड़ेगा तो धनी की कृपा हमारे ऊपर जो हो रही है उसको ग्रहण कैसे कर पाएगा, और जब ग्रहण ही नहीं कर पाएगा तो उसकी जागृति नहीं हो सकती। इसलिए हम सब का ये परम कर्तव्य है कि वाणी का जो ज्ञान है उसको हम रहनी में लाएं, आचरण में लाएं। ऐसा नहीं कि 18,758 चौपाई का अर्थ याद होगा तब हम चलना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं। जितना याद हो, जितना पता हो, हम चलना शुरू करें। आज एक कदम चल पाए, अगले दिन 2 कदम चलेंगे, ऐसे धीरे धीरे। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, 1.5 साल 2 साल के बाद में, शुरू में ही वो दौड़ना नहीं सीखता, धीरे 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 कदम बढ़ाता है। तो 1-2 कदम बढ़ाते बढ़ाते, और चूंकि सोचिए जब बच्चा चलना शुरू करता है तो घर में जो बड़े लोग होते हैं ना, या माँ भी क्या करती है, वो दूर भी होगी, बच्चा चलने का प्रयास करेगा और वो गिरना चाहेगा तो माँ दौड़ के जाके पकड़ती है, पिता दौड़ के जाके पकड़ता है, तो राजी नहीं पकड़ेंगे हमें, राजी हमें फिसल, हम भले ही फिसल सकते हैं लेकिन गिरने नहीं देंगे राजी। तो जो भी सच्चे दिल से राज्य के लिए हृदय में प्रेम ला करके रहनी में चलने का प्रयास करेगा, वो 1-2 बार फिसलेगा भी सही, लेकिन राज्य उसको गिरने नहीं देंगे, संभाल लेंगे। क्योंकि राज्य कहते हैं कि मैंने ब्रह्म सृष्टियों को कबाय तले रखा है। इसलिए बस मेरी इन सब बातों को ध्यान में दें, सब सुंदर साथ वाणी जो कह रही है कि हमें आचरण में लाना है स्वयं को, हमें रहनी में स्वयं को ढालना है, तभी हमारी आत्म जागृति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, सब मिलके चौपाई दोहराएंगे। भूंडा जीव जाग जे रे, काई धनी तने चरण पसाए, तू भरम उड़ाड़ जेरे, तू भरम उड़ाड़ जेरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।